हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अमित शाह के बेटे जय शाह के बाद अब पीयूष गोयल की पत्नी की कंपनी का भी नया विकास मॉडल सामने आया है। सीमा गोयल की कंपनी ने सिर्फ 1 लाख रुपए के निवेश महज 10 साल में 30 करोड़ रुपए कमा लिए। इस कंपनी का संबंध पीयूष गोयल से जुड़ी उस कंपनी से भी है जिसका कर्ज 2015 में माफ कर दिया गया था। कांग्रेस ने इस मामले में सबूत पेश करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल की तुरंत बर्खास्तगी की मांग की है। मंगलवार को कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक जांच होनी चाहिए कि उनकी पत्नी की कंपनी इंटरकॉन एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने 10 साल पहले मात्र 1 लाख रुपए के निवेश के बाद 30 करोड़ रुपए का लाभ कैसे अर्जित कर लिया। कंपनी के कुल 10,000 शेयरों में हर शेयर की कीमत 30,000 रुपए कैसे हो गई। गौरतलब है कि इंटरकॉन एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड वही कंपनी है जिसे शिडी इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी ने 1.59 करोड़ रुपए का असुरक्षित कर्ज दिया था। पीयूष गोयल 2010 तक शिडी इंडस्ट्रीज के चेयरमैन थे। इंटरकॉन एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को ये कर्ज 2014 के बाद मिला था, जिसके बाद 2015 में शिडी इंडस्ट्रीज का बैंकों से लिया 650 करोड़ के लोन का 65% माफ हो गया था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईमानदारी की बात तो करते हैं, लेकिन गोयल के परिवार के निवेश मामलों पर चुप है। कांग्रेस ने कहा, इन आंकड़ों से तो यह अर्थव्यवस्था के हालिया इतिहास में सबसे ज्यादा लाभ अर्जित करने वाली कंपनी बन गई है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सच्चाई यह है कि पीयूष गोयल ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया है और उन्हें केंद्रीय मंत्री के पद से तत्काल हटा देना चाहिए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।